हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उगरसेन पुनिया। स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ रहे थे ए वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलना, और ये लेसन लिखा गया है एडी स्मिथ के द्वारा। तो ये लेसन हमने, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था, लास्ट के अंदर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ। वो हमने पढ़ा था कि इनका ट्रांसफ़र हो गया था एडी स्मिथ का, राइटर का, हैदराबाद से बेगमपेट में जहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली के लिए। तो इनको दिल्ली के लिए जाना था। उससे एक दिन पहले की नाइट में दो संयोग हुए थे इनके कैंप के अंदर, आर्मी कैंप के अंदर। एक पहला जो संयोग हुआ था वो ये हुआ था कि कैनेडियन कैंड बियर जो है, डिब्बाबंद बियर, इनके आर्मी के अंदर आई थी, सप्लाई हुई थी। और दूसरा संयोग ये हुआ था कि एक भारतीय दल आया था करतब दिखाने के लिए इनके कैंप के अंदर, और उस दल का नेतृत्व है वो प्रोफेसर राव कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि ये अच्छी तरह से एंजॉय करने के बाद, बियर जो आई हुई थी, पार्टी वगैरह करने के बाद में ये देखने के लिए गए थे, उस दल के जो करतब थे, परफॉर्मेंस थी, वो देखने के लिए ये गए थे। तो ये सोच कर गए थे कि जाकर के मजे करेंगे, और इनके दिमाग में ये था कि ऐसे ही मतलब नॉर्मल करतब होंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि जब हमने जाकर देखा तो हर दूसरे व्यक्ति की तरह हम भी आश्चर्यचकित रह गए उनके करतब देखकर। उसके आगे से हमें आज पढ़ना है। चलिए मैं शुरू करता हूँ आगे से आज पार्ट टू, ए वॉक थ्रू द फायर, रिटन बाई एडी स्मिथ। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब जो परफॉर्मेंस उन्होंने वहां पर देखी थी, परफॉर्मेंस का मतलब वैसे तो प्रदर्शन होता है, लेकिन यहां पे इसका अर्थ है करतब। अमेजिंग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये सच में आश्चर्यजनक करतब थे जो हमने देखे थे। When we arrived, जब हम वहाँ पहुँचे, the professor who looked nothing like a strong man, तो जो professor था, professor राव, जिसका जिनका नाम पहले आ चुका है, who looked nothing like a strong man, जो एक ताकतवर आदमी प्रतीत हो रहे थे, यानी एक strong man से ज़्यादा नहीं लग रहे थे, एक ताकतवर शक्तिशाली आदमी प्रतीत हो रहे थे, had just called for 12 volunteers, अब उन्होंने 12 वॉलेंटियर्स हैं उनको बुलाया। वॉलेंटियर्स मतलब जो अपनी सेवाएं स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हो, उनको बोलते हैं। तो प्रोफेसर ने 12 वॉलेंटियर्स हैं उनको बुलाया फ्रॉम द ऑडियंस, जो ऑडियंस थी वहाँ पे, जो दर्शक थे उनमें से, हुज टास्क, और उनका जो टास्क था उन ऑडियंस का, उनका टास्क क्या था, उनका काम क्या था, इट वॉज टू बेंड, बेंड का मतलब था मोड़ना, एन आयरन बार, एक लोहे की बार को मोड़ना, अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन के चारों तरफ, यानी एक लोहे की रॉड जो प्रोफेसर राव गर्दन पे लगाएंगे, और वो जो 12 वॉलेंटियर्स हैं वो उस लोहे की रॉड को बेंड करेंगे, मोड़ेंगे उसकी गर्दन की चारों ओर। द आयरन बार, अब जो लोहे की रॉड थी, प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर, वो कैंप के स्टोर से प्रदान कर दी गई, प्रोवाइड करा दी गई, वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, और वो लोहे की रोड थी वो 12 फीट लंबी थी, एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट, और प्रोफेसर ने इस रोड को पकड़ा हॉरिजॉन्टली, अब हॉरिजॉन्टली करता था आड़ी यानी समतल, विद द मिडल ऑफ इट, और इस रोड का जो मिडल था, बीच का हिस्सा था, प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट, वो उनके गले को प्रेस कर रहा था, यानी वो गले के टच हो रहा था उस रोड का मिडल का जो हिस्सा था, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टली यानी बिल्कुल समतल उन्होंने गले के लगा के इस रोड को पकड़ लिया था। ही देन अरेंज्ड द वॉलेंटियर्स, उसके बाद में उन्होंने जो वॉलेंटियर्स लिए थे 12, उनको अरेंज किया, 6 ऑन ईदर साइड ऑफ हिम, अपने दोनों तरफ 6 इस साइड और 6 इस साइड, तो दोनों तरफ 6 वॉलेंटियर्स हैं, उनको अरेंज कर लिया। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, अब प्रोफेसर के सिग्नल पर, जैसे ही प्रोफेसर ने सिग्नल किया, संकेत दिया, द वॉलेंटियर्स बिगेन टू पुश, अब वॉलेंटियर्स जो थे उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया, धकेलना शुरू कर दिया, विद ऑल देयर माइट, माइट का होता है शक्ति, ताकत, अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने धकेलना शुरू कर दिया, एंड द आयरन बार, और जो लोहे की बार थी, रोड थी, बेंट, उसको मोड़ दिया इनटू ए यू शेप, यू आकार के अंदर मोड़ दिया, अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन के चारों ओर, यानी जो हॉरिजेंटली उन्होंने लगाई थी, बीच का हिस्सा उनके गले को टच कर रहा था, तो 6 वॉलेंटियर्स जो लगाए थे उन्होंने उस रोड को पीछे की तरफ धकेला और उनके गले के पीछे की तरफ यू शेप के अंदर उसको मोड़ दिया। तो एक करतब तो ये इन्होंने देखा था जो बहुत ही मतलब इनको आश्चर्यजनक लगा था कि एक लोहे की रोड को प्रोफेसर राव ने अपनी गर्दन से मोड़ दिया था। आगे बता रहे हैं, अदर फीट्स फॉलोड, फीट्स करतब को बोलते हैं, दूसरे करतब है वो भी आगे आए, यानी फॉलोड इसके बाद में और भी करतब हुए, बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट, क्लोजिंग एक्ट मतलब समाप्ति वाला जो
कार्य था वो, लेकिन जो प्रोफेसर का अंतिम कार्य था, जो समाप्ति वाला कार्य था, वॉज एन अनफॉरगेटेबल, वो मतलब भूलने योग्य नहीं था, उसको भुलाया नहीं जा सकता, वो अनफॉरगेटेबल था. एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, और इससे पहले कि वो इस कार्य को परफॉर्म करे, इसका प्रदर्शन करे, द वेलफेयर ऑफिसर, जो कल्याण अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरे कर्तव्य का जो आयोजन करने के लिए कहा था, तो जो कल्याण अधिकारी थे, अनाउंस्ड दैट, उन्होंने ये घोषणा की कि ओन हिज इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस कहते हैं जोर देना, कि उनके जोर देने पर द प्रोफेसर हैड साइंड ए डॉक्यूमेंट, प्रोफेसर ने एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया टू द इफेक्ट दैट, और उसके अंदर ये लिखा गया कि इफ एनीथिंग हैपन टू हिम, यदि कुछ भी उस प्रोफेसर को हो जाता है, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे, तो ब्रिटिश आर्मी जो है कुड इन नो वे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. तो कोई कर्तव्य दिखाना चाह रहे थे प्रोफेसर जो थे, और क्लोजिंग एक्ट था उनका, वो अंतिम कर्तव्य था, और ये बता रहे हैं एडी स्मिथ कि उसको भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा वो कर्तव्य था. लेकिन उस कर्तव्य को करने से पहले जो वेलफेयर ऑफिसर थे उनको उन्होंने जोर दे करके उनसे लिखवाया, एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया कि यदि उनको कुछ भी हो जाता है इस कर्तव्य में, उनकी जान चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ब्रिटिश आर्मी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी. इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स, केवल इन्हीं शर्तों पर, देट द प्रोफेसर वॉज अलाउड, प्रोफेसर को अलाउ किया गया, अनुमति दी गई टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, अपना समाप्ति वाला कार्य, क्लोजिंग एक्ट परफॉर्म करने के लिए उनको अनुमति इसी शर्त पर मिली, इसी शर्त पर मिली कि वो लिख करके दिया उन्होंने. इसलिए फाइव टन आर्मी ट्रक, एक 5 टन वजनी सेना का ट्रक, वॉज देन ड्रीवन इन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रीवन इन टू द सेंटर, बीच में लाया गया चला करके, एक 5 टन वजनी ट्रक को बीच में लाया गया, ऑफ द सर्कल, सर्कल के बीच में, गोले के बीच में लाया गया, फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, और गोला किससे बनाया गया था, ऑडियंस के द्वारा, जो श्रोता खड़े थे वहाँ पे, श्रोता सॉरी जो दर्शक वहाँ पे खड़े थे, ऑडियंस जो वहाँ पे देख रहे थे लोग, तो उन्होंने एक गोला बनाया हुआ था, गोलाकार घेरे में वो खड़े हुए थे, तो उस गोले के बीच में एक 5 टन वजनी सेना का ट्रक है वो लाया गया, विच वॉज द ओनली स्टेज. अब वो जो गोला था उसके बीच का जो हिस्सा था वो केवल एकमात्र स्टेज था, द प्रोफेसर यूज्ड, जो प्रोफेसर ने यूज किया था. ही ले डाउन अंडर द ट्रक, प्रोफेसर ने क्या किया, ले डाउन, नीचे लेट गए, अंडर द ट्रक, ट्रक के नीचे लेट गए, सो देट ही चेस्ट, ताकि उनका जो सीना है, उनकी जो चेस्ट है, वो इज इन लाइन विद वन ऑफ द रियर व्हील्स, रियर कहते हैं पिछला, व्हील मतलब पहिया, ताकि उनकी जो चेस्ट है वो पिछले पहियों में से एक पहिए के सीध में आ जाए, यानी वो ट्रक के नीचे लेट गए और उनकी चेस्ट है वो पिछले पहियों में से एक पहिए के बिल्कुल आगे थी. एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, अब स्लीपर कहते हैं एक खांचे को बोल सकते हो, आप फंटे को बोल सकते हो, रेलवे स्लीपर जो कि रेलवे के अंदर काम में लिया जाता है, जिसके अपने कोई थोड़ा सा चढ़ाई के ऊपर चढ़ाना होता है तो उसके ऊपर ऐसे स्लोप सा बना हुआ होता है, तो एक ओल्ड रेलवे स्लीपर जो रेलवे का फंटा था वो लिया गया, वॉज प्लेस्ड, उसको रख दिया गया अलोंग साइड हिज चेस्ट, उसके सीने के दोनों तरफ, यानी एक का जो स्लीपर है रेलवे स्लीपर वो एक तरफ रख दिया गया, और दूसरा जिस तरफ से ट्रक चढ़ेगा ऊपर चेस्ट के वहाँ पे एक रख दिया गया, और जिस तरफ से ट्रक नीचे उतरेगा वहाँ पे एक रख दिया गया. टू फॉर्म ए क्रूड रैंप, और क्यों रखा गया था रेलवे स्लीपर, टू फॉर्म बनाने के लिए एक क्रूड रैंप, क्रूड कहते हैं काम चलाऊ, रैंप कहते हैं ढलान को, काम चलाऊ ढलान बनाने के लिए, विच द ट्रक कुड बी ड्रीवन, जिसके ऊपर ट्रक को चलाया जाना था, एक ढलान बनाई गई थी ताकि उनके सीने के ऊपर ट्रक है वो चढ़ सके और नीचे उतर सके, इसलिए रेलवे स्लीपर काम में लिया गया था. द ट्रक वॉज देन ड्रीवन, और उसके बाद में ट्रक है उसको चलाया गया क्विकली, तेजी से, फॉरवर्ड आगे की ओर, ट्रक को आगे की ओर तेजी से लाया गया, सो देट, ताकि द रियर व्हील, तो पिछला पहिया था, वेंट अप द रेलवे स्लीपर, वो रेलवे स्लीपर के ऊपर से गया, यानी उस फंटे के ऊपर से गया, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर की जो चेस्ट थी, जो सीना था, उसके ऊपर से वो पहिया है वो निकला, एज सिंपल, इतना साधारण, एंड एज क्रूड एज देट, और इतना आसान ये प्रतीत हो रहा था. द बेक ऑफ द ट्रक, और ट्रक के पीछे के हिस्से में, इंसिडेंटली, संयोगवश, कंटेन्ड एज मैनी मैन, उतने आदमी भर गए, एज कुड पॉसिबली क्राउड इन टू इट, क्राउड का मतलब होता है मतलब समा जाना अंदर, तो ट्रक का जो पीछे का हिस्सा था, इंसिडेंटली, संयोगवश, कंटेन्ड एज मैनी
एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इन टू इट, जितने इसके अंदर समा सकते थे संभवतः उतने आदमी ट्रक के पिछले हिस्से के अंदर भर गए। और ये करतब प्रोफेसर ने दिखाया था कि एक ट्रक जो है 5 टन वजनी और बहुत सारे उसके अंदर सैनिक भी और सवार हो गए थे पीछे, तो ये करतब उन्होंने दिखाया था, बहुत ही शानदार करतब था। इसके बाद में आगे ये बताते हैं, देर वॉज अनदर इंडियन, एक और भारतीय व्यक्ति था विद प्रोफेसर, प्रोफेसर के साथ एक और इंडियन व्यक्ति है वो था, एंड हिज ट्रूप, और उसकी जो टुकड़ी थी उसका जो दल था, हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट्स, उस दल ने स्ट्रॉन्ग मैन के जो एक्ट्स थे, जो शक्तिशाली व्यक्ति के जो एक्ट्स थे यानी प्रोफेसर राव के, उनके अंदर कोई भी भाग नहीं लिया, जो दूसरा जो भारतीय व्यक्ति था उसने, बट स्पेंट द एंटायर टाइम, बल्कि उसने पूरा जो टाइम है, एंटायर मतलब पूरा, अपना पूरा टाइम बिताया डिगिंग, खोदने में। अब क्या खोदने में बिताया, ए सेलो ट्रेंच, सेलो का मतलब होता है उथली, यानी जो कम गहरी होती है उसको कहते हैं, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, एक उथली खाई खोजने में अपना पूरा का पूरा टाइम उन्होंने बिताया, अबाउट 10 फीट लॉन्ग, 10 फीट लंबी एंड 2 or 3 feet वाइड, 2 या 3 feet चौड़ी, एक खाई खोदने में उन्होंने पूरा वक्त बिताया। तो प्रोफेसर राव ने तो 2 करतब अपने देखे, ये इन्होंने दिखाए, और एक दूसरा भारतीय व्यक्ति था उसने इनके कार्य में तो भाग लिया नहीं था, लेकिन वो अपना करतब दिखाने के लिए एक 10 फीट लंबी और 2 या 3 फीट चौड़ी एक खाई खोदने में उन्होंने वक्त बिताया, टाइम है वो व्यतीत किया था। By the time, इस समय तक, the professor had finished his act, professor ने अपना जो act है वो समाप्त कर लिया था, वो समाप्त कर चुके थे अपना act, this trench had been filled, और फिर इस trench को क्या किया गया, had been filled, इसको भर दिया गया, with red hot coals, लाल लाल अंगारों से, लाल लाल कोयलों से इस ट्रेंच को भर दिया गया, from the cook house, और ये कोयले कहाँ से लाए गए थे, ये अंगारे कहाँ से लाए गए थे, cook house से, यानी किचन से, जो आर्मी का किचन था cook house, वहाँ से ये लाए गए थे, there was no funny business, कोई मजाक का काम नहीं होने जा रहा था, यानी कोई मजाक नहीं हो रहा था वहाँ पे, about this fire trench either, ये जो फायर ट्रेंच थी, ये जो आग की खाई थी जिसके अंदर कोयले भर दिए गए, 10 फीट लंबी लंबाई के अंदर कोयले डाल दिए गए थे, गरम गरम अंगारे, तो ये कोई मजाक नहीं होने वाला था यहाँ पे, वी गेदर्ड अराउंड इट, हम इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, एंड द हीट फ्रॉम इट, और इस खाई से जो हीट आ रही थी, जो तपन, जो गर्मी आ रही थी इस खाई से, वॉज इंटेंस, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, यानी बहुत ज़्यादा तीव्र थी, बहुत तेज थी, दिस इंडियन, ये जो भारतीय व्यक्ति था, रादर एन एल्डरली जेंटलमैन, ये एक अधेड़ उम्र का सज्जन व्यक्ति लग रहा था, यानी एक एल्डरली जेंटलमैन था, देन स्टूड एट वन, फिर ये खड़ा हो गया एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, खाई के एक सिरे पर, वन एंड ऑफ द ट्रेंच, खाई के एक सिरे पर वो आदमी खड़ा हो गया, स्प्लेस्ड वाटर, स्प्लेस्ड का मतलब होता है छिड़कना, स्प्लेस्ड वाटर, उसने पानी छिड़का फ्रॉम ए नियर बाई बकेट, बकेट कहते हैं बाल्टी को, नियर बाई मतलब पास में ही एक बाल्टी पड़ी थी, उस बाल्टी से उसने पानी छिड़का, ओवर हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों पर उसने पानी छिड़का पहले तो, एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक, प्रोसीड का मतलब तो आगे बढ़ना, फिर वो आगे बढ़ा, टू वॉक चलने के लिए, ओवर द रेड हॉट कॉल्स, कहाँ चलने वाला था वो, रेड हॉट कॉल्स, उन गरम गरम अंगारों पर, 10 फीट की लंबाई के अंदर जो कोयले डाले गए थे गरम गरम आग के, उनके ऊपर वो चलने वाला था, अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, होल लेंथ पूरी लंबाई में ऑफ द ट्रेंच, उस खाई की पूरी लंबाई के अंदर वो अंगारों के ऊपर चलने वाला था, इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टाकल, इनक्रेडिबल का अर्थ क्या होता है, अविश्वसनीय, यानी जिसको देख करके आंखों पर यकीन ना हो, स्पेक्टाकल कहते हैं दृश्य को, ये एक अविश्वसनीय दृश्य था, वी कुड सी, हम देख सकते थे द लो फ्लेम्स, छोटी छोटी लपटें, फ्लेम कहते हैं लपटों को, लो फ्लेम्स, छोटी छोटी लपटें हम देख सकते थे फ्रॉम द रेड हॉट कॉल्स, कि जो गरम गरम अंगारे थे उनसे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी लपटें हैं वो निकल रही थी, लिकिंग और चिपक रही थी, अराउंड हिज बेयर फीट, उसके पैरों के ऊपर, उसके जो नंगे पैर थे जिनसे वो खाई के ऊपर लंबाई में 10 फीट चल रहा था, तो ये देख रहे थे जो ऑडियंस जो थे वहाँ पे, जिनके अंदर एडी स्मिथ भी थे, ये कह रहे हैं हमें लपटें दिखाई दे रही थी, अंगारों से लपटें निकल रही थी और उसके पैरों के चिपक रही थी, एज ही स्लोली वॉक्ड, जब वो धीरे धीरे चल रहा था टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, खाई के अंतिम सिरे तक वो चल करके गया, तो
लपटें उसके पैरों पर चिपक रही थी, कोयले जो हैं वो अंगारे हैं वो उसके पैरों पर चिपक रहे थे। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो इस पर पहुंच गया यानी उस खाई के लंबाई के अंदर 10 फीट की लंबाई उसने पार कर ली कोयलों पर चलते चलते, एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि वो संतुष्ट नहीं हुआ था, ही टर्न्ड अराउंड, वो घूमा एंड वॉक्ड बैक, और वापिस चला द सेम वे, उसी रास्ते से, यानी पहले तो 10 फीट चल के गया खाई पर और फिर वहां जाकर के जैसे कि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ वापस घूम करके वापस 10 फीट चल करके आया। ही देन, और उसके बाद में उसने क्या किया, स्क्वेटेड डाउन, नीचे बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर नीचे बैठ गया, जेस्टर्ड टू हिज फीट, और अपने पैरों की तरफ उसने इशारा किया, एंड इन्वाइटेड अस ऑल, और हम सभी को आमंत्रित किया, टू इंस्पेक्ट देम, कि हम उसके पैरों का इंस्पेक्शन करें, उसके पैरों का निरीक्षण करें, उसके पैरों को देखें कि उसके पैर जले हैं या नहीं जले। वी डिड, और हमने किया, हमने उसके पैर देखे, एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर, ब्लिस्टर कहते हैं फपोले को, देर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, हमें कहीं भी एक फपोला भी दिखाई नहीं दिया, उसके पैरों पर एक भी ब्लिस्टर नहीं था, एक भी फपोला नहीं था, वो 10 फीट चल के गया था कोयलों के ऊपर, गर्म अंगारों पर, और 10 फीट चल के आया था, लेकिन एक भी फपोला उसके पैर पर नहीं था। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड, पुश्ड फॉरवर्ड का मतलब था आगे की ओर धक्के देते हुए बढ़ना। I had pushed forward through the crowd, मैं भीड़ में से धक्के देते हुए आगे की तरफ बढ़ा, to get a closer look, नज़दीक से देखने के लिए, at this amazing character's feet, इस आश्चर्यजनक पात्र के पैरों को, यानी जो अमेजिंग करेक्टर कहते हैं पात्र को, ये जो पात्र था, ये जो करेक्टर था, ये जो आदमी भारतीय व्यक्ति, इसके पैरों को देखने के लिए, नज़दीक से देखने के लिए मैं भीड़ में से धक्के देते हुए आगे बढ़ा, एंड एज आई नेल्ट डाउन, और जैसे ही मैं नीचे झुका, बिसाइड हिम, उसके बगल में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, समथिंग थ्रस्ट इन टू माई हैंड, थ्रस्ट का मतलब था ठूंस देना, कि कोई चीज जो है वो मेरे हाथ में ठूंस दी गई थी। इट वॉज ए हैंकरचीफ, और ये क्या था, हैंकरचीफ था, ये रुमाल था, एंड इट वॉज देन, और तभी देट आई रिकग्नाइज हिम, कि मैंने उसे पहचान लिया था कि वो कौन था। अब वो कौन था, वो वही व्यक्ति था जिसको राइटर ने बचाया था जब ये ट्रक लेकर के जा रहा था अपने कैंप, खाना खाने के बाद में, अपने पहले पढ़ा था शुरुआत के अंदर, जिसको एंग्लो इंडियन दो युवक है वो पिटाई कर रहे थे, तो उसको बचाया था, वही व्यक्ति ये था जो आग पर चला था। इसके बाद में आगे देखिए, ही हैड लुक्ड एट मी वंस, उसने एक बार मेरी तरफ देखा, ब्रीफली, संक्षिप्त में, एज ही पास्ड द हैंकरचीफ टू मी, जब उसने जो हैंकरचीफ जो था, रुमाल जो था, वो मेरे को दिया, तो एक बार उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा था, बट वेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, लेकिन जब मैं उससे बात करने के लिए उसके पास गया, ही लुक्ड अवे अगेन, तो वह दूसरी तरफ देखने लगा, सो आई केप्ट माई माउथ शट, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा, मैं कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो मेरे से बात ही नहीं करना चाहता था। इफ ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब था बहाना करना, इफ ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड, यदि वो बहाना करना चाहता था, देट कि ही डिंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कि वो इंग्लिश भाषा नहीं समझता था, देन देट वॉज ऑल राइट बाई मी, तो ये मेरे लिए ठीक था, यानी इंग्लिश तो उसको आती ही थी, लेखक ने, राइटर ने तो पहले ही सुनी थी, जब उसको बचाया था तो उसने कहा था टाइमली इंटरवेंशन के लिए धन्यवाद, तो इंग्लिश तो उसको आती थी, लेकिन वो बहाना करना चाह रहा था कि इंग्लिश उसको नहीं आती, तो राइटर कह रहे हैं देट वॉज ऑल राइट बाई मी। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन, अम्यूज का मतलब होता है आनंदित कर देना, खुश कर देना, इट अम्यूज्ड हिम, वो आनंदित हो गया था, टू लिसन, सुनकर, टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, कमेंट्स, टिप्पणियाँ, ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, प्रशंसा करने वाली भीड़, यानी जो भीड़ थी वो उसकी प्रशंसा कर रही थी, टिप्पणियाँ कर रही थी, गैदर्ड अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई थी जो भीड़, वो उसकी एडमायर कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी, और उस प्रशंसा को सुनकर के वो अम्यूज्ड हो गया था, आनंदित हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश था। द प्रोफेसर हैड बाई नाउ, अब जो प्रोफेसर था, रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर, वो अपने एनकाउंटर से रिकवर हो गया था, ठीक हो गया था, विद अ 5-ton ट्रक, जो 5 टन का जो ट्रक उसने अपने सीने के ऊपर से निकलवाया था, उससे वो
अब उबर गया था, ठीक हो गया था. एंड ही केम ओवर, और वो आया टू से इन हाल्टिंग इंग्लिश. हाल्टिंग मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में कहने के लिए आया दैट द फायर वॉकर वुड टेक ए वॉलंटियर, कि अब ये जो फायर वॉकर है जो आग पे चला है वो टेक ए वॉलंटियर विद हिम, ये अपने साथ एक वॉलंटियर को लेकर जाएगा अक्रॉस द फायर ट्रेंच. ये जो फायर ट्रेंच है आग की खाई है, इसके ऊपर से एक वॉलंटियर को ये लेकर के जाएगा, ये प्रोफेसर राव ने घोषणा करी. दिस ये ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ. प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, एक बहुत बड़ी हंसी पैदा कर दी, यानी बहुत बड़ी हंसी वहाँ पे लोगों ने जो क्राउड थी उनके अंदर पैदा हो गई. बट आई डिंट ज्वाइन इन, लेकिन मैं इसमें ज्वाइन नहीं हुआ, यानी मैं नहीं हंसा बिल्कुल भी. आई न्यू देन देट, तब मैं जान गया कि आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं ही आग पर से चलकर जाने वाला था, यानी मैं ही वो वॉलंटियर था जो आग पर के चल के उसके साथ में उस इंडियन व्यक्ति के साथ में जाने वाला था. ऑल थ्रू हालांकि द वेरी थॉट ऑफ इट, इसका विचार ही मेड मी गो आइस कोल्ड विद फियर, मुझे बर्फ जितना ठंडा भय के कारण बना रहा था. आइस कोल्ड विद फियर यानी भय से मैं बर्फ जितना ठंडा हुए जा रहा था इसको सोच कर भी कि मेरे को आग के ऊपर से चल करके जाना पड़ेगा. आई वॉक्ड ओवर टू द फायर वॉकर, फिर मैं चल करके फायर वॉकर के पास गया, आग पर चलने वाले व्यक्ति के पास गया. एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और जाकर के उसके सामने खड़ा हो गया. ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स, उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखे. एंड सेड, और कहा वेरी क्वाइटली, बहुत ही शांति से कहा, सो देट नन बट माई सेल्फ, ताकि मेरे अलावा कोई और कुड हियर, सुन ना सके. इतना धीरे से कहा, इतना क्वाइटली कहा, ताकि मेरे अलावा कोई और ना सुन पाए. और क्या कहा था, उसने कहा वेन यू पुट असाइड योर बूट्स, पुट असाइड का मतलब होता है उतार कर अलग रख देना, कि जब तुम अपने जूते उतार कर अलग रखो साहिब, साहिब पुट असाइड योर फियर, तो अपना भय जो है, अपना जो डर है उसको भी उतार कर अलग रख देना. द फायर विल नॉट हार्म यू, आग है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. उसने कहा कि जब आप अपने जूते उतारो तो अपना डर है मन में से वो भी निकाल देना, आग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी. आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर मैं जमीन पर बैठ गया. एंड टुक ऑफ माई गाइटर्स, और अपने जो गाइटर्स थे, मोजे होते हैं एक प्रकार के, मोजे की तरह ही होते हैं जो घुटनों के ऊपर, यहाँ पे घुटनों के नीचे पिंडलियों के ऊपर पहने जाते हैं, सेना के जो लोग होते हैं सैनिक वो पहनते हैं. बूट्स, मैंने अपने गाइटर्स बूट्स एंड सॉक्स, और मेरे जो मोजे थे जुराबे वो उतार दी मैंने. स्ट्रेंजली इनफ, अजीब तरीके से, हैविंग डन दिस, मैं ये कर रहा था, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, अब मुझे और ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, मैं भयभीत नहीं था, ओनली इंटेंसली क्यूरियस, केवल मैं इंटेंसली मतलब अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस, उत्सुक, मैं बहुत ही ज़्यादा अब क्यूरियस हो गया था, उत्सुक हो गया था, अब मुझे डर नहीं लग रहा था, मेरे अंदर डर नहीं था बल्कि उत्सुकता थी ये काम करने की. आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, बिगनिंग मतलब शुरुआत में, आई वॉकड मैं चल कर गया अक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, उस खाई की शुरुआत में मैं चल करके गया जो शुरुआती हिस्सा था वहाँ पर. एंड द फायर वॉकर स्प्लॉस्ड वाटर, और जो फायर वॉकर जो था आग पर पहले चला था उसने पानी छिड़का ओवर माई फीट, मेरे पैरों पर. एंड ऑल्सो ओवर हिज ओन, और उसने अपने खुद के पैरों पर भी पानी छिड़का. ही देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली, फिर वो धीरे से बहुत ही सॉफ्टली मेरे से बोला. एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू क्लोज माई आईज, कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँ. एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और मैं हरे हरे खेतों के बारे में सोचूं. एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, और जो शांति प्रिय यानी शांति में बिल्कुल शांत इंग्लिश कंट्री साइड जो है, यानी इंग्लैंड का कंट्री साइड कहते हैं ग्रामीण इलाके को, अंग्रेज यानी इंग्लैंड का कोई ग्रामीण इलाका है जो बहुत पीसफुल होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, उस इलाके के बारे में मैं सोचूं, ऐसा उसने कहा था फायर वॉकर ने. आई वॉज टू इमेजिन देट, अब मैं कल्पना कर रहा था कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लेन, कि अब मैं एक ग्रामीण इलाके की गली में चल रहा था. वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लेन, ग्रामीण इलाके की गली में मैं चल रहा था. एंड ऑल द वाइल, और इसी समय यानी इसी दौरान, आई वॉज टू कॉन्सेंट्रेट, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना था यानी ध्यान केंद्रित करना था ऑन ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेतों पर, यानी अब मेरे को
कहा गया कि एक ऐसे स्थान पे ध्यान केंद्रित करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो और बिल्कुल वो पीसफुल इलाका हो। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, विद इज बैक टुवार्ड्स मी, और उसकी पीठ है वो मेरी तरफ थी, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू प्लेस माई हैंड्स, कि मैं अपने हाथ रखूँ ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर। वो सामने खड़ा हो गया पीठ करके लेखक की तरफ, राइटर की तरफ, और कहा कि अपने हाथ है वो मेरे कंधों पर रखो। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शंस टू मी, उसने अपने जो इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश जो थे, वो मुझसे दोहराए, एक बार फिर से कहे, वंस मोर, एक बार फिर से दोहराए उसने इंस्ट्रक्शंस, एंड देन, और फिर, विद आईज क्लोज्ड, आंखें बंद कर कर, एंड कॉन्सेंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स, और हरे हरे खेतों के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके, ध्यान केंद्रित कर कर, आई फेल्ट हिम बिगिन टू मूव, मैंने महसूस किया कि उसने चलना शुरू कर दिया था, स्लोली, धीरे धीरे, फॉरवर्ड, आगे की ओर, मैंने महसूस किया कि उसने धीरे धीरे अब आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया था, और राइटर का ध्यान केंद्रित किया था इसने निर्देश अनुसार, जैसा कि निर्देश दिया गया था, ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे जो खेत थे एक ऐसे इलाके के अंदर, अपने दिमाग को लेकर के गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और हरियाली थी। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, अब कहाँ पे ये सोच रहे थे उसके बारे में इन्होंने बताया, यानी इनके दिमाग में क्या चल रहा था वो बताया है। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, मैं वापस इंग्लैंड में आ गया था, यानी इंग्लैंड के बारे में ये सोच रहे थे, वहाँ पर अपने दिमाग के अंदर इन्होंने कल्पना करी थी, इमेजिन किया था, तस्वीर बनाई थी। टू बी प्रिसाइज, सटीकता से, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉक फील्ड रोड, मैं रॉक फील्ड रोड जो है वहाँ पे चल रहा था, ये इंग्लैंड के अंदर ही है, जस्ट आउटसाइड मॉन माउथ नियर हैंड्रिक पार्क, ये इंग्लैंड की जगह है। कहाँ पे चल रहे थे ये दिमाग के अंदर सोचा था इन्होंने, एक्चुअली के अंदर तो ये वहीं पे आग के ऊपर ही चल रहे थे, वो नंगारों पे ही चल रहे थे, लेकिन दिमाग के अंदर ये कहाँ चल रहे थे, रॉक फील्ड रोड जो है जस्ट आउटसाइड मॉन माउथ, जो मॉन माउथ के बाहर है, नियर हैंड्री पार्क, हैंड्री पार्क के बाहर, उसके पास में मॉनमाउंथ नामक कोई जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ के बारे में ये सोच रहे थे। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, स्ट्रेच कहते हैं फैलाव, ये एक ऐसा सड़क का फैलाव था, विच आई हैड वॉक्ड अलोंग मैनी टाइम्स, जहाँ पर मैं बहुत बार चल चुका था, वेन आई वॉज लिविंग एट रॉक फील्ड, जब मैं रॉक फील्ड के अंदर रहता था तब, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, युद्ध के शुरुआती टाइम के अंदर जब मैं रॉक फील्ड रहता था तो मैं इस जगह पर बहुत बार पहले भी चल चुका था। ऑन ईदर साइड ऑफ मी, मेरे दोनों तरफ वर ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेत थे, एंड द सीन वॉज इन्फिनिटली पीसफुल, और जो सीन था, जो दृश्य था, इन्फिनिटली मतलब असीमित रूप से पीसफुल था, शांति में था। इट वॉज ए लवली समर डे, एक बहुत ही शानदार गर्मियों का दिन था, एंड आई कुड फील द वार्मथ, और मैं गर्मी महसूस कर सकता था, ऑफ द सन्स रे, सूरज की किरणों की, यानी सूरज की किरणों की गर्मी मैं महसूस कर पा रहा था। पेनीट्रेटिंग माई क्लोथिंग, पेनीट्रेट का मतलब था भेदना, माई क्लोथिंग जो मेरे कपड़ों को भेद कर मेरे शरीर से टकरा रही थी, सूरज की किरणें हैं उनको मैं महसूस कर पा रहा था। माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली, वंडरफुली मतलब आश्चर्यजनक रूप से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, मेरा दिमाग आश्चर्यजनक रूप से और पूरी तरह से एट रेस्ट, शांति में था। एंड नेवर बिफोर नॉर सिंस, ना तो कभी पहले और ना आज तक, हैव आई अचीव्ड, मैंने प्राप्त की थी दैट स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट मतलब स्थिति, दिमाग की इस स्थिति को, दिमाग की इस अवस्था को, ना तो मैंने पहले कभी प्राप्त किया था और ना ही मैंने आज तक इस अवस्था को प्राप्त किया था। तो इसने दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर लिया था, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, ऐसा ही इसको निर्देश दिया गया था एडी स्मिथ को, राइटर को, और वैसा ही उन्होंने किया था। दिमाग के अंदर ये हरियाली के बारे में सोच रहे थे और पीसफुल स्थिति के अंदर अपने माइंड को ले गए थे, और ये चल कहाँ पे रहे थे, उस खाई के अंदर, उन गर्म कोयलों के ऊपर। सडनली, अचानक, आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं एकदम से कोल्ड, ठंडा हो गया हूँ। एज थ्रू द सन हैड डिसअपीयर्ड, जैसे कि सूरज है वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, बिहाइंड ए क्लाउड, एक बादल के पीछे। तो एकदम से इन्होंने महसूस किया कि एकदम से इनके अंदर
शरीर को ठंड लगने लगी, जैसे कि सूरज है वो एक बादल के पीछे गायब हो गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड आई वॉज बैक, और मैं वापिस आ गया था, एज बिफोर, पहले की तरह, स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, और मैं अब आग पर चलने वाले के पीछे खड़ा हुआ था, विद माई हैंड स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स, और मेरे हाथ अभी भी उसके शोल्डर के ऊपर रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, यानी अभी भी मैंने अपने हाथ है वो उसके कंधों के ऊपर रखे हुए थे। ही टर्नड अराउंड, वो घूमा, एंड फेस्ड मी, मेरी तरफ चेहरा किया, एंड इट वॉज देन देट आई रियलाइज्ड, और तभी मैंने महसूस किया देट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक, कि मैं खड़ा हुआ था विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, और मेरी पीठ है वो फायर ट्रेंच की तरफ थी, यानी पहले ये फायर वॉकर के पीछे था जब ये चल के गए थे, और फिर वापस वहाँ से घूम के आए तो फायर वॉकर है वो आगे था, ये पीछे थे, वापस आ गए ये, तो फायर ट्रेंच है वो इसके पीछे थी, तो राइटर की जो पीठ है वो फायर ट्रेंच की तरफ थी, यानी ये चल के गए और उसके ऊपर चल के वापस आ गए थे। वी हैड वॉक्ड द लेंथ ऑफ इट, हम इस फायर ट्रेंच की लंबाई में पहले चल के गए, एंड बैक अगेन, और फिर वापस आ गए टू अवर स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे शुरुआती पॉइंट पर वापस आ गए चल करके। आई नेवर सो द फायर वॉकर अगेन, मैंने उस फायर वॉकर को फिर कभी नहीं देखा। आई वॉज कंप्लीटली बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड का मतलब होता है भौचंका होना, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना उसको कहते हैं। आई वॉज कंप्लीटली बिविल्डर्ड, मैं पूरी तरह से भौचंका हो गया था बाई वॉट हैड हैपन्ड, जो कुछ भी हुआ था, यानी आग के ऊपर ये चल के गया 10 फीट उसके साथ, और वापिस चल के उस कोयलों के ऊपर गरम गरम अंगारों पे चल के वापिस भी आया, तो ये कह रहा है ये जो हुआ था उससे मैं बिल्कुल बिविल्डर्ड हो गया था, इतना भौचंका रह गया था। एंड इन द एक्साइटमेंट, और इस उत्तेजना में, इस एक्साइटमेंट में, देट फॉलोड, जो उसके बाद में हुई, वेन एवरी वन केम क्राउडिंग अराउंड मी, जब सभी लोग मेरी तरफ आके भीड़ बनाने लगे, यानी सभी लोग है वो मेरी तरफ आए, आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, तो मैंने उसको खो दिया, यानी जो फायर वॉकर था वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। लेटर, बाद में, वेन जस्ट अबाउट एवरी वन ऑन द कैंप, जब सभी कैंप के अंदर, सभी लोग जो थे कैंप के अंदर, उनकी तरह हैड इंस्पेक्टेड माई फीट, अब क्या बता रहे हैं, लेटर, बाद में, वेन जस्ट अबाउट एवरी वन ऑन द कैंप, कैंप के अंदर जितने भी लोग थे हैड इंस्पेक्टेड माई फीट, उन्होंने मेरे पैरों को इंस्पेक्ट किया, निरीक्षण किया, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, जो पूरी तरह से अनमार्क्ड थे, यानी एक भी निशान मेरे पैरों पर नहीं था। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, और मेरे को एक बार फिर से अनुमति दे दी गई टू पुट माई बूट्स ऑन, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, मुझे अपने बूट्स है, जूते हैं, वो फिर से पहनने की अनुमति दे दी गई, यानी मैंने जूते हैं वो फिर से पहन लिए। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, और उसके बाद में मैंने क्या किया, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं उसकी तलाश के अंदर गया, बट ही हैड डिसअपीयर्ड, लेकिन वो गायब हो गया था, जो फायर वॉकर था ये वही व्यक्ति था जिसको राइटर ने बचाया था शुरू के अंदर, तो इसको ढूंढने के लिए गया, रुमाल उस वो लौटा चुका था इसको, एकदम से इसके हाथ में ठूंसी दिया था, तो ये ढूंढने के लिए, लेकिन वो गायब हो गया था। आई टेकल द प्रोफेसर अबाउट हिम, टेकल का अर्थ होता है स्पष्ट बात करना, आई टेकल द प्रोफेसर अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में प्रोफेसर से स्पष्ट बात की, यानी स्पष्ट पूछा प्रोफेसर से कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, जो फायर वॉकर था वो कहाँ पर है, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट, अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है, कुड नॉट, या तो वो बता नहीं सकता था, या वुड नॉट, या फिर बताना नहीं चाहता था, वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, कुछ भी, मुझे या तो वो बता नहीं सकता था, उसको पता ही नहीं था, या फिर वो मुझे बताना नहीं चाहता था, कुछ भी, तो कुछ भी पता नहीं चला राइटर को। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एज सून एज इट वॉज लाइट, जैसे ही रोशनी हुई, जैसे ही सवेरा हुआ, आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक बोरो किया, उधार लिया, एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुडा, और फिरोजगुडा की तरफ गया, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ आई कुड फाइंड हिम, कि क्या मैं उसे पा सकता हूँ, उसे ढूंढ सकता हूँ कि नहीं ढूंढ सकता, बट इट वॉज ए होपलेस टास्क, होपलेस मतलब आशाविहीन, टास्क मतलब कार्य, लेकिन ये एक आशाविहीन कार्य था, होपलेस टास्क था। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद, आई वॉज ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर था टू न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के रास्ते पर था, यानी इनका ट्रांसफर हो गया था न्यू दिल्ली, अब उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया था फायर वॉकर को, और नई दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। द
तो ये लेसन लिखा है एडी स्मिथ ने स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी ट्रांसलेशन इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार आप इसको पढ़ना, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। अभी लेसन पूरे हो गए हैं तो इसके बाद मैं क्वेश्चंस के वीडियो आंसर क्वेश्चन आंसर के जो वीडियो हैं वो आपको बताऊंगा और आप अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चंस हैं वो तैयार कर सकते हो। थैंक यू।